गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में बीएससी मैथमेटिक्स के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा है कि कॉलेज मैनेजमेंट और सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा इस लॉकडाउन पीरियड में विद्यार्थियों की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपके पास में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है ये काफ़ी हितकर साबित होंगी। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम एलजेब्रा एंड टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। एलजेब्रा के चैप्टर नंबर 3 जो कि इस पेपर का फर्स्ट यूनिट रहेगा, जिसका नाम अभिलाक्षणिक मूल एवं अभिलाक्षणिक सदिश आव्यूह के बारे में, या फिर इसको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसके कई बुक्स में कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स के नाम से भी प्रदर्शित हैं। ये चैप्टर कम्प्लीटली 12th क्लास के चैप्टर मैट्रिक्स या आव्यूह पर डिपेंड है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम किसी भी मैट्रिक्स जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए उसके अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक सदिश को फाइंड आउट करेंगे, और इसके साथ ही उस मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से। आज हम इंट्रोडक्शन क्लास में इसके जो अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक समीकरण हैं इसको निकालने के लिए अपन को किस किस टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन प्रीवियस क्लास के नॉलेज से जानते हैं कि किसी भी समीकरण के जो मूल होते हैं वो उस समीकरण को सॉल्व करने पर उसके जो सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं वो उसके मूल कहलाते हैं। इसी तरह अपने इस चैप्टर में अपन किसी भी मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल निकालेंगे, उसके सदिश के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर उन सब को जानने से पहले अपन 3-6-4 तक डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, जो कि अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक सदिश निकालने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उसमें सबसे पहले जो आपके पास में डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी मैट्रिक पॉलिनोमियल को लेकर या फिर मैट्रिक बहुपद को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुपद आपके पास में दो या दो से अधिक पद मिलकर जो एक एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको अपन नॉर्मली बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास में मैट्रिक बहुपद है इसके लिए अपन एक व्यंजक या एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एम एक्स टू द पावर एम। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को अपन मैट्रिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे अपन कि इसके लिए 3-4 कंडीशन जो कि रिक्वायर्ड होती है। उसमें सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपके पास में एक्स की जो हाइएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर आपके पास में एक्स की पावर हाईएस्ट एम है अर्थात उसका जो कोफिशिएंट ए एम है वो हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और उस कोफिशिएंट को आपके पास में अग्र गुणांक या लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। दूसरी बात, आपके पास में जो भी ये कोफिशिएंट है ए नॉट ए वन ए टू ये सब एक ही कोटि के स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह होने चाहिए, और दूसरी बात ये जो भी आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है इनको अपन कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह गुणांक कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंतर्गत जो एक्स यूज हो रहा है उसको अपन इनडिटर्मिनेंट या अनिर्धारित कहते हैं, जिसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी होती है, जिसका निर्धारण अपन को करना होता है। अब अपन देखते हैं मैट्रिक बहुपद के बाद में कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। अब देखिए इसको जानने से पहले अपन 12th क्लास के बेसिस पे अपन देखते हैं कि एक मैट्रिक कंसीडर करते हैं ए। 12th क्लास में अपन ने पढ़ा था किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने एक स्क्वायर मैट्रिक कंसीडर की है जो कि nth ऑर्डर की है, और उसको अपन ने रिप्रेजेंट किया है ए आई जे एन बाई एन, अर्थात यहाँ पर आपके पास में ए है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं इसको अपन कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए वन वन, अर्थात यहाँ पर ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का है, अर्थात यहाँ पर
इसमें आई का मान भी वन है, जे का मान भी वन है। यदि मैं आई का मान या थ्री और जे का मान थ्री रख देता हूँ, इट मीन्स वो एलिमेंट आपके पास में है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का होगा। और यदि अपन आई और जे का मान दी एन रखते हैं तो वो एन रो एंड एन कॉलम का होगा। अब देखते हैं अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स क्या होती है। जो भी अपन ने एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर की है, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर की है एन ऑर्डर की, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ए माइनस लैम्डा आई को उस मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो आई है वो एक आपके पास में एन कोटि का यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है। अब अपन देखते हैं इस एक्सप्रेशन को अपन कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए जो ए माइनस लैम्डा आई है उसमें से ए आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर की है और माइनस लैम्डा और आई आपके पास में एक यूनिट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर आपके पास में फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स अपन ये जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अपन किसी अदिश राशि से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। अर्थात यहाँ पर लैम्डा का इस वन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो इसको यदि अपन मल्टीप्लाई करने के बाद में इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स यदि अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन अपन को प्राप्त होता है। ये देखिए अपने सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये एक्सप्रेशन आया है। अब यहाँ पर उसके बाद में अपन टॉपिक देखेंगे अभिलाक्षणिक बहुपद। अब देखिए जो अभिलाक्षणिक समीकरण आपके पास में अभिलाक्षणिक जो मैट्रिक्स आपके पास में प्राप्त हुई है, उस अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स की यदि अपन सारणिक ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो वो अभिलाक्षणिक बहुपद कहलाएगा। अर्थात जो अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स आपके पास में ए माइनस लैम्डा आई है, इसकी जो सारणिक होगी उसको उस मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। तो ये जो अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स है इसका अपने डिटर्मिनेंट लिया तो ये अभिलाक्षणिक बहुपद हो गया। अब देखिए ट्वेल्थ क्लास में अपन जाते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन कैसे करते हैं। अब मैंने इस डिटर्मिनेंट का जो एक्सपांशन किया है तो यहाँ लैम्डा आपके पास में जब एक्सपांशन करेंगे तो एन टाइम्स इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। अर्थात सब लैम्डा के जो आपके पास में कोफिशिएंट है वो यहाँ पर भी माइनस वन है, माइनस वन है, माइनस, तो जो पहला एक्सप्रेशन होगा वो माइनस वन टू दी पावर एन इंटू लैम्डा टू दी पावर एन, प्लस अपन आगे आगे जैसे जैसे करेंगे तो लैम्डा की पावर घटती जाएगी। अर्थात लैम्डा टू दी पावर एन माइनस वन का जो कोफिशिएंट जितने भी होंगे एलिमेंट्स के रूप में, अवयव के रूप में, उस सब को आप मैंने पी वन दे दिया और लैम्डा टू दी पावर एन माइनस टू के जितने भी कोफिशिएंट थे उसको मैंने पी टू नाम दे दिया एंड सो ऑन। यहाँ पर आपके पास में अभिलाक्षणिक बहुपद के बाद में अपन जो बात करेंगे वो है अभिलाक्षणिक समीकरण को लेकर। जो अभिलाक्षणिक बहुपद आपके पास में आया है, यदि अभिलाक्षणिक बहुपद को अपन शून्य के बराबर कर दें, जीरो के बराबर कर दें, तो जो एक्सप्रेशन अपन को प्राप्त होगा वो अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाएगा। अर्थात समीकरण डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्व टू जीरो को मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा की वैल्यू ये आई थी, इसको अपन जीरो के बराबर करेंगे तो कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन अपने पास में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अपन इसको जीरो के बराबर करेंगे तो माइनस वन टू दी पावर एन जीरो में चला जाएगा और एक इस प्रकार का एक्सप्रेशन अपने पास में प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले लेक्चर में होगा। थैंक यू।